जैसे कि आप देख पा रहे हो इस मॉडल को, और इस मॉडल का साइज दोस्तों 20x50, अगर हम फ्रंट की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 20 फीट है और लंबाई की बात करें तो 50 फीट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रंट से, आप अगर देखो तो ये मॉडल देखने में आपको ऐसा लगेगा। थोड़ा मैं आपको ट्रांसपेरेंस करके दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में और बेहतरीन मॉडल दिखने वाला है। जैसे मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये देखिएगा आप, मॉडल अंदर से बाहर तक दिखेगा पूरा, कहाँ पर क्या है, कितने बेडरूम है और सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी में ये और बेहतरीन दिखता है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा, इसका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो चलो फिर से ओरिजिनल मॉडल पे चलते हैं हम लोग। तो जैसा आप देखते होंगे ये मॉडल, तो इसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपने अभी स्मॉल हाउस प्लान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेटेड आपको होम डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी वीडियो आपको मिलते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों अगर आप घर बनवाते हैं, सपोज दैट 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसमें कितना मटेरियल आपका लगने वाला है, सरिया की बात करें, ईंट की बात करें, सीमेंट की बात करें, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। उसमें आपको लगभग में अप्रोक्स में आपको एक आइडिया लग जाता है कि इतना घर बनवाने में कितना आपका एस्टिमेट आने वाला है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर। तो चलो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे चलते हैं, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, जैसे देख रहे होंगे। और इसकी हमने जैसा कि आपको बता दिया, चौड़ाई है 20 फीट और लंबाई है 50 फीट। तो ग्राउंड फ्लोर में मैंने यहाँ पर एक कार पार्किंग के लिए जगह दी है और एक आपको छोटा सा प्ले ग्राउंड है जो फ्रंट में आप देख पा रहे होगे। तो इसका मेन, अगर हम दरवाजे की बात करें तो मेन इसका डोर ये है, ये आप देख पा रहे होगे। और इसको मैंने डिवाइड किया दोस्तों तीन पार्ट में। आपको अगर एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए कितने बाई कितने के रूम है, तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जैसे यहाँ पर आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एग्जैक्ट डायमेंशन आपको दिखती है, जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं दोस्तों ये एग्जैक्ट डायमेंशन है। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो 15.5 फीट का ये टोटल पोर्शन है लंबाई में। और ये जो पीछे वाले दो बेडरूम आपको दिख रहे हैं, इसका भी आपको यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, पूरा डायमेंशन आप देख सकते हो, 13.5 फीट का इसकी लंबाई है और चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट चौड़ाई है लगभग। और ये वाला पूरा आपका 19.11 फीट लगभग 20 फीट का ये आपका एरिया पूरा निकाल आता है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डायमेंशन मिल जाती है इस मॉडल की। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें जिसका नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपको पोर्शन देखेंगे, जैसा मेन डोर से एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पार्किंग कर सकते हैं आप गाड़ी, क्योंकि ये अप्रोक्स 15 फीट है तो आपका 16 फीट है दोस्तों। तो 6 फीट में मैंने ये सीढ़ी निकाल दी और 10 फीट में आपके आराम से 4 व्हीलर कोई भी हो खड़ी हो जाएगी। और ये आपका प्ले ग्राउंड है और ये व्हाइट सा जो आपको दिख रहा है, ये आपको जाने के लिए मेन डोर के लिए रास्ता दे रखा है मैंने। तो आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो इस जीने के नीचे आपका लेटरिंग है, घर से मेरे को बिल्कुल बाहर लेटरिंग बनाया है सेपरेट करके। और आप जैसे मेन डोर से एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का मिलता है। ये जो टोटल एरिया है ये 20x20 का लगभग में है और ये पूरा आपको हॉल मिलता है। इस 20x20 में मैंने यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका ये टोटल है क्या नाम, किचन, और इसको बाथरूम है। ये आपका बाथरूम है, ये आपका किचन है ना। और इसके बाद पीछे आप बहुत से यहाँ हॉल मिलेगा और पीछे आपके दो बेडरूम यहाँ पर मिलते हैं, सेम साइज के हैं दोनों, 13.5x10 13.5x10 अप्रोक्स में। एग्जैक्ट डायमेंशन आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, और अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आप पहले फ्रंट से देखिएगा, ऐसा फर्स्ट फ्लोर आपको दिखने वाला है। ये बालकनी है और जैसा सेम टू सेम स्टेयर्स नीचे था उसी के ऊपर यहाँ पर स्टेयर्स से सीढ़ियां यहाँ पर ये आ जाती हैं, और पीछे वाला जो बेडरूम थे आपके दोनों वो सेम टू सेम निकल आते हैं। अब आपके पास ये चॉइस है, यहाँ पर दो ये जो रूम है इसका चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग ये 8x इनकी चौड़ाई 8 फीट, इसकी 8 फीट है, 8x16 और 4 फीट का आपका गैलरी अप्रोक्स में निकलेगा। लेकिन दीवारें हटाने के बाद लगभग 7.5 फीट के रूम आपके ये दो निकलेंगे। और लंबाई की बात करें तो 13 फीट इसकी लंबाई है। तो आप अगर चाहें तो एक रूम हटा सकते हैं, अगर आपको एक बड़ा सा हॉल चाहिए तो अभी वाला रूम हटा दें तो यहाँ पर आपको पूरा जगह एक हॉल निकल आएगा और आपके ये दो पीछे बेडरूम। अगर आप चाहते हैं एक रूम और डिजाइन करना तो आगे जो आपका ये एरिया पड़ा है यहाँ पर एक रूम और डिजाइन कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है, सिर्फ आपको ओपन एरिया दे रखा है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर, अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। तो ये आपका सेकंड फ्लोर है, मैंने सिर्फ छत बनाया है, रूफ बना दिया और कुछ भी नहीं है। आप फ्रंट से देख सकते हो ये पूरा मॉडल है। तो यहाँ पर रूफ बना दिया और ये मैंने इसको ढक दिया, जो सीढ़ियां आई हैं उसके लिए बना दिया है, जिसमें आपका अगर बरसात हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर पानी ना जाए। तो ये पूरा मॉडल था 20x50 का जो मैंने आज डिस्कस किया। और ये मॉडल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये मॉडल एक सब्सक्राइबर थे हमारे, उन्होंने बोला था कि मुझे 20x
50 का एक डिजाइन चाहिए तो उन्हीं के कहने मैंने बनाया है। अगर आपको भी कोई डिजाइन चाहिए किसी भी साइज का तो मुझे कमेंट करके बताएं सर मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो अगला वीडियो हो सकता है मैं आपका सिलेक्ट करूं, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। मैं सभी को पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि जिस सभी का मैं वीडियो बना सकूंगा, लेकिन एक किसी ना किसी का मैं एक वीडियो जरूर बनाता हूं। तो ये मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और इस लाइक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें स्मॉल हाउस प्लान को, और वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए, या कुछ जो भी कमी है आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा और आगे से सुधार करूंगा। थैंक्स।